हेलो गाइस, तो आप सब लोगों का स्वागत है आप सबका एक और नई गेम में। और आज हम खेलने वाले हैं मियामी होटल सिमुलेटर, जिसमें कि हमारा खुद का होटल है। एंड मैंने इस होटल में काफ़ी चीज़ें तैयार कर दी है, तो मैं दिखाऊंगा। यही हाँ, यही बड़े वाला होटल हमारा है। और हाँ, यहाँ पे देखो गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं भाई। ये देखो कार्स, देखो अल्टीमेट कार्स हैं। एंड सुपरा वगैरह भी खड़ी होगी आई थिंक यहीं कहीं आसपास। ये रही सुपरा। हो भाई, सुपरा हमारी फेवरेट कार है, तुम्हें पता ही है। और यहाँ पे और भी गाड़ियाँ वगैरह है, बट इससे आगे हम ज़्यादा जा नहीं सकते हैं। बट एक चीज़ बड़ी अच्छी है, इसका इसकी ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। हाई ग्राफिक्स पे तो मैं खेल भी नहीं सकता, बट ठीक है, जितने ग्राफिक्स मैंने रखे हैं उतने ही ठीक है। तो चलो आज चलते हैं, अपने होटल को तैयार करते हैं। अभी के लिए मेरे को होटल ऑन करना है, तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने दो रूम तैयार कर लिए हैं अभी, तो ठीक है। अपने होटल का नाम है लग्जरी होटल, जो कि मैंने रखा है। तुम मेरे को नाम सजेस्ट कर सकते हो। एंड दो 102 नंबर, 101 नंबर और 106 नंबर की मैंने बेड वगैरह एंड टॉयलेट वगैरह उसमें लगा रखा है, जो थोड़ा बहुत पैसा हमें मिल जाएगा। एंड इस पर सेकेंड फ्लोर भी है, जिसको मेरे को रेडी करवाना है। तो ठीक है, चलो गाइस, फाइनली मैंने अभी के लिए होटल ओपन कर दिया है, जिससे कि कस्टमर्स वगैरह आए हैं। और ये हमारा बार है छोटा सा, जिसके अंदर भाई हम खड़े हो सकते हैं। वैसे यहाँ बढ़िया खासा खड़े हो सकते हैं, बट खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो मशीन्स हैं, वेंडिंग मशीन, जिसमें से सामान वगैरह मिल जाएगा। और ये भी वेंडिंग मशीन है, जिसमें कोक वगैरह होगी आई थिंक। इसमें नहीं, मेरे को पता कौन से आइटम्स होते हैं, बट ठीक है चलो। और यहाँ पे आइसक्रीम रख सकते हैं, और यहाँ पे भी शायद से कॉफ़ी वगैरह रख सकते हैं आई थिंक सो। तो ठीक है गाइस, चलो डन, यहाँ पे कॉफ़ी रख सकते हैं। और ये रहा हमारा खाने का एरिया, जहाँ पे मतलब खाना, मैंने चिकन्स रखे हैं अभी। और यहाँ पे खाने का एरिया, तो खाना वगैरह लग जाएगा यहाँ पे ईजिली। चलो अब कस्टमर का वेट करना है। और ऊपर तो मैं रूम भी दिखा देता हूँ, ये हमारा स्टोरेज रूम है, जहाँ पे स्टोर करके बहुत सारा सामान रख सकते हैं हम। और यहाँ पे गार्बेज वगैरह, और यहाँ सामने काफ़ी सारी कार्स खड़ी है। पार्किंग एरिया है, पता नहीं भाई ये होटल है किसी और का शायद, आई थिंक सो कि किसी और का होटल हो सकता है, पता नहीं भाई। होटल का नाम नूम तो नहीं लिखा, शायद से हो सकता है किसी और का होटल हो। तो मेरे को ना अभी 103 नंबर की सफाई करनी है, जब तक अभी कोई कस्टमर नहीं आया। हाँ वेट करते हैं भाई, कोई कस्टमर क्यों नहीं आया यार, कस्टमर को आना चाहिए हमारे इस होटल में यार, लग्जरी होटल बना रखा है भाई, आना जरूर चाहिए। तो चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ सीधा 103 नंबर होटल में। ये रहा ना, ये देखो ये वाला होटल मैंने रेडी कर दिया, जैसे कि हमने सिंपल एक बेड लगाया अभी, एंड एक छोटा सा टॉयलेट है इसमें, जो कि यूज़ कर सकते हैं कस्टमर। अभी इसको मैं लग्जरी और बना सकता हूँ, बट उसके लिए भी मेरे को काफ़ी सारे पैसे चाहिए। तो ठीक है, अभी 103 नंबर होटल ये रहा। और एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा एक कस्टमर आ चुका है, एक नहीं दो कस्टमर आ चुके भाई। तो इसको मैं रूम की चाबी पकड़ा सकता हूँ, रुको मेरे पास 101 नंबर भी तैयार है ना। ठीक है, 101 नंबर से दे देते हैं अभी के लिए। लीजिए मैडम चाहिए। और 102 नंबर भी रेडी रखा है मैंने, 106 नंबर रेडी है। चलो चलिए मैडम, गो अपने रूम में जाइए। तो ठीक है, हमने देखो अभी दो बंदों को रूम दिया यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, देखो अभी ये रूम में जा चुके हैं। रूम में जाने के बाद इनका पैसा बन जाएगा, ठीक है। 100 डॉलर बने हैं सबके अभी। एंड एक सेकेंड, ओ वेट, यहाँ पे लोग खाना खाने भी आ रहे हैं, देखो इंजॉय फूड। ओके, तो यहाँ पे लोग इस पे बैठ के ना खाना वगैरह भी खाएंगे, ठीक है भाई बढ़िया। यहाँ पे खाना वगैरह में थोड़ा मंगा के रख दूँ क्या, बट अभी मेरे को और पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ठीक है, मेरे को 103 नंबर बनाना है। और उसको क्या हुआ मैडम को भाई, चाबी लेके आ रही है, कोई सीन है क्या? और यहाँ पे छोटा सा बार है, ठीक है। बार में से पैसे ऐसा नहीं, अभी इसमें से कुछ नहीं लिया। ये वाली वेंडिंग मशीन्स के लिए ना कुछ मंगाना पड़ेगा, ठीक है। वो चाबी अच्छा ताला मार के आई भाई, लॉक करके आई है लड़की, अपना रूम नंबर लॉक करके आई है, ठीक है भाई। चलो खाने में एक ही आइटम था, सारे खत्म हो चुके हैं यार, खाना वगैरह सारा खत्म हो गया। ओ भाई थोड़ा साफ करो। ओके, तो यहाँ से मेरे को पैसा भी मिलेगा, ठीक है डन। और इसको साफ करके रखना पड़ेगा यार, इसको धो के रखना पड़ेगा, रुको। तो यहाँ पे अभी इसको यहाँ वॉश करो। ओके पुट भाई, यहाँ पे अलग ही सीन है यार खाने वगैरह का भी। पैसा उठाओ, पैसा उठाओ, पैसा उठाओ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह ना उसको भी रख सकता हूँ, रुको यहाँ पे मेरे को इसको रखना है, ठीक है। टर्न, ये ऊपर आ गया। साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी मेरे को। एंड अभी शाम हुई है यार, कमरा भी अभी तैयार करवाना है मेरे को ना, अभी बंद करूँगा। रुको एक और रूम का बंदा आया, 106 नंबर अभी खाली है, तो 106 नंबर भी बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं चलाऊँ कैसे, इसको सफाई सफाई कैसे करनी है भाई। ओके तो ठीक है, साफ सफाई ऐसे होगी। ओके डन भाई, क्लीन हो गया पूरा ये, डन डन डन। तो मैं इसको ऐसे लाके इस पर, ओके डन, ठीक है। मैं समझ गया भाई कैसे क्या करना है यार, मैंने अभी क्लोज कर रहा हूँ 106 नंबर देख के चाबी। 106 नंबर ये रहा ना, रुको मेरे पास अभी एक ही रूम तैयार है मैडम,
तो एक ही रूम देते हैं अभी इसको ना, क्लोज करता हूँ भाई। अपना होटल है वो चलने तो लगा है, बट अभी के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अभी खाना वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो होटल अभी क्लोज कर दिया मैंने, क्योंकि अभी कस्टमर्स काफ़ी आ रहे हैं और मेरे पास इतना पैसा, मतलब इतना पैसा भी नहीं है और इतना सामान भी नहीं है। और ये रहा 103 नंबर भाई, इनको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मेरे को क्लीन क्लीन करके ना कस्टमर्स को देना है, थोड़ा बहुत पैसा बन जाए मेरा बस। ठीक है, यहाँ पे भी बेड बुड लगाना है सिंपल, और कुछ नहीं करना, उससे $3 मिलेंगे भाई इनकी साफ़ सफाई के भी। ठीक है, यहाँ देख रहे हो क्या क्या गंद पाया यार होटल में पूरे के पूरे। तो इनको अभी पेंट वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ होटल को मैं पूरे को, अगर पेंट कर दूंगा देन सीन है। तो चलो, क्योंकि पैसा नहीं है भाई, यही सीन है। ठीक है, इसकी साफ़ सफाई करो, डन डन डन। चलो ये भी साफ़ करो। मैं होटल में ना खाना वगैरह भी लगवा देता हूँ ना, जिससे कि लोग ना थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाएंगे और उससे ना हमारे पैसे मिलेंगे। एंड ड्रिंक वगैरह भी लगवा देता हूँ, देखता हूँ मैं क्या ही सीन है। ठीक है, चलो इसको साफ़ करो, इसको साफ़ करो। ठीक है, क्लीन क्लीन, टर्न इट टर्न इट। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए मेरे को यहाँ पे इसकी सफाई करनी पड़ेगी, पूरी तरह से क्लीन करूँगा, देन तब जाके हमारा जो ये पूरा रूम है वो क्लीन होगा। ठीक है, टर्न, यहाँ पे हो गया हमारा क्लीन, ये भी क्लीन करो। ठीक है, ये भी क्लीन करो, अभी टर्न इट टर्न इट। इसको साफ़ करते हैं। ठीक है, इसको साफ़ करा, इसको साफ़ करा। 103 नंबर बस तैयार होने वाला है, चलो कस्टमर्स के लिए अपने। आई थिंक अब मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ रहा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें रूम में बेड चाहिए और एक टॉयलेट चाहिए। चलो मैं नीचे जल्दी चलता हूँ एंड ना एक बेड और एक टॉयलेट लगाता हूँ। ये देखो भाई, कस्टमर्स अपने रूम में जा रहे हैं। ओके, मैंने करंटली क्लोज करा। आई थिंक ये हमारे कस्टमर्स हैं जो कि रुके हुए हैं, स्टे कर रहे हैं अपने होटल में। वेट भाई, यहाँ क्लोज है अभी होटल, इनको कौन बताया यार, क्लोज है अभी होटल। ये कुछ लेके गए क्या? ओके, तो अच्छा इसमें से भी ये ना कुछ सामान लेके गए हैं। ठीक है भाई, लो 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 लो, सामान लो तुम सब। आइसक्रीम वगैरह भी रखूँगा मैं अभी इसमें। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए देखो यहाँ से ना मेरे को एक बेड ऑर्डर करना है, और एक बेड ऑर्डर कर दिया है मैंने, एक टॉयलेट ऑर्डर करना है एंड फूड्स वगैरह भी कर देते हैं ना। डिश हो गई यहाँ पे, ब्रेकफास्ट चिकन एंड ये हो गया। सुशी भी कर देता बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी, तो $410 बने हैं। कंप्लीट करते हैं अभी के लिए अमाउंट अपना, एंड $100 है तो ये थोड़ा फास्ट आएगा अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम डिलीवरी कर दूँगा इसकी। तो ठीक है, $100 गए पर प्रीमियम डिलीवरी होगी, वो काफ़ी बढ़िया है। तो चलो अभी तो मैं दिखाता हूँ सामान कहाँ पे आता है। तो जो हमारा सामान है वो यहाँ पे आएगा अभी। ठीक है, अभी आया नहीं, टाइम लग रहा है यार बहुत ज़्यादा आने। तो चलो भाई, लोग कितने घूम रहे हैं यार हमारे होटल में, देख रहे हो तुम। ठीक है, ये ओके, वेट 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 वेट, मैडम क्या हुआ? ओके, तो ये रह चुके हैं अपने रूम में भाई, इनकी ये चाबी देने आए हैं। ठीक है, 102 नंबर यार मैंने गलत रख दिया यार, रुको 102 नंबर यहाँ है ना। ठीक है, डन। और कोई आया क्या? नहीं नहीं नहीं, तो हमारा जो सामान है वो डिलीवर हो चुका है एंड मेरे को भी इनको रखना है। तो मिनट यार, खाने पीने का पहले सामान लगा देते हैं मेन जगह पे, क्योंकि ना मैं नेक्स्ट वो ओपन करूँगा जब अपना वो, देन खाना पीना अपना ये खा सकेंगे और हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेरे को टाइम टाइम पर पैसा वगैरह भी मिलता रहे ना, बढ़िया भाई। $100 मिले हैं अभी उसके। चलो थोड़ा बहुत सामान ना हम लाना शुरू कर देंगे इसके बाद, अगर जब पैसा वैसा बन जाएगा हमारा अच्छा खासा। ठीक है, टर्न, $100 करके भाई अमीर होना पड़ेगा हमें। जैसे कि हम और फर्नीचर्स वगैरह लगाएंगे तो मेरे को लगता है हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे और हमारा जो रूम है उसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। तो मैं एक रूम पर काम करूँगा, देखेंगे हम। तो ठीक है, ये होटल है। वेट 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 वेट, इसको मैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है? ओके, गार्बेज है। ठीक है ठीक है, गार्बेज था भाई वो। तो यहाँ से टॉयलेट उठाओ पहले, 103 नंबर टॉयलेट रख के आते हैं 103 नंबर में। ठीक है, आगे 103 नंबर, टर्न, ये रहा 103 नंबर। इसमें टॉयलेट रखना ना एक छोटा सा। ठीक है, यहाँ ना पीछे साइड रखता हूँ भाई, टर्न, यहाँ टॉयलेट आ गया हमारा। एंड एक बेड लेके आए थे हमें, बेड भी रखना है अभी। 102 नंबर भी तुम्हें दिखा, सॉरी, जो सेकंड फ्लोर है ना हमारा वो भी तुम्हें दिखा के आता हूँ भाई। अभी उसमें गंद पड़ा होगा, उसमें साफ़ सफाई मैंने ज़्यादा नहीं करी है। तो ठीक है, अभी के लिए इसको लगाओ। कहाँ गया? 103 नंबर, 103 नंबर ये रहना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेड लगा देते हैं अभी के लिए। इसमें भी यार पेंट वगैरह करना पड़ेगा, अभी पेंट भी नहीं करा मैंने एक रूम में भी अपने। तो ठीक है, सोने का हो गया इनका, टर्न, गो टू 102 नंबर। क्या हुआ भाई इसमें? ओके, तो यहाँ पे यार इन्होंने रूम छोड़ा था 102 नंबर, तुम्हें याद होगा। ठीक है, इन्होंने ना गंद मचा दिया भाई पूरे रूम में। रुको रुको रुको, साफ़ है ना ये? ठीक है, टॉयलेट क्लीन है, डन। चलो 102 नंबर साफ़ हो चुका है और 101 नंबर में भी ऐसे कस्टमर है, तभी मैं ओपन नहीं कर पा रहा। 107 नंबर को सफाई कर सकते हैं हम। 103 नंबर को भी मैंने साफ़ करा है।
दो मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, तो 103 नंबर भी हमारा क्लीन है अभी। तो चलो अभी के लिए नीचे चलते हैं। कोई कस्टमर, आई थिंक ये कस्टमर हमें चाबी देने आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये खाना खाने जा रहा है। ठीक है गाइस, चलो अभी के लिए मेरे को नहीं पता कौन कौन से रूम खाली हैं। होटल को ऑन करते हैं, टर्न इट। ठीक है, तो ये मैंने होटल ओपन करा है हमारा, एंड अभी कस्टमर्स का वेट है। ये देखो यहाँ पे खाना वगैरह लेंगे अपना एंड खाएंगे जो भी है। मेरे पास 3 आइटम्स है अभी, तो 3 आइटम्स खा लेंगे। ठीक है भाई, अभी इसको पेंट वगैरह भी करना। मैं ना फ्रंट से पेंट कर दूंगा इसको, सोच रहा हूँ। जो अपना ये होटल है ना, ये फ्रंट से जब पेंट हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, चलो अभी के लिए इनको खाना वगैरह खाने दो। और यहाँ पे प्लेट यार एक क्लीन नहीं है, रुको भाई इसे क्लीन करते हैं। डन, दो मिनट, यहाँ पे मेरे को इसको साफ़ सफाई में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लीन करो इसको। डन यार, सारी प्लेट, ओह सारी उठा सकता हूँ आई थिंक मैं ऐसे। चलो उठा ली मैंने। ठीक है, चलो ठीक है, डन। तो ठीक है गाइस, और यहाँ पे कस्टमर आया एक। मेरा कितना नंबर तैयार था? एक। ठीक है, तो हम 2 तैयार करके आए ना अभी। ओके, तो इन्होंने चाबी देनी है यार। शिट शिट शिट, मेरी एक चाबी गिर गई, रुको। डन मैडम, 200 डॉलर मिल गए। चलो यहाँ पे कितना नंबर की रूम, यार 106 नंबर की रूम की चाबी है ना, इसको यहाँ पे लगाओ। एंड एक सेकेंड, अबे ओके, वो अपने आप लग गई है। 101 नंबर अभी खाली नहीं है, 106 और 102 वाला हो चुका है खाली। ठीक है, ये रहा 101 नंबर। मैं वही सोच रहा हूँ हमारी रूम की चाबी गुम गई क्या। चलो ठीक है, होटल ओपन है, जिसको आना होगा वो आएगा। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे मिले मेरे को। ठीक है, इसको साफ़ सफाई के लिए रख के आते हैं, इसको ना मैं क्लीन करवा लेता हूँ अपने इसको। ठीक है भाई, पैसा कम है अभी मेरे पास, बट अभी एक बार ही पैसा हो जाएगा ना, देन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पैसा वगैरह में ना हमारा ही प्रॉफिट होगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है। चलो भाई, कस्टमर आया है, 106 नंबर वाली चाबी दे दो एक को। ठीक है सर, लीजिए। ओके डन। ओ नो, ये वकी वकी, ओ भाई रुकना, क्या करा है? 2 मिनट में जाके आता हूँ यार। एक ने आई थिंक मेरा बेड वगैरह तोड़ दिया गया। रुकना, कितने नंबर में जाना है? 101 और 106 नंबर की इनको चाबी दी है ना भाई, किसने शैतानी करी है? नीचे क्या है? 101 नंबर, पता नहीं क्या सीन हुआ है कोई, पर मेरे को जहाँ तक लगता है कोई सीन तो हुआ है यार। ऊपर ही दिखा रहा है ये रहा, 104 नंबर है ना। चलो इसको तो बनाना है ना यार, मुझे ये दिखा रहा है इधर पे कहीं ना, आई थिंक कुछ हुआ है। नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, देखता हूँ मैं कहाँ पे क्या सीन है। 104 नंबर तो मेरे को बनाना है ही। रुको 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 रुको, यहाँ पे क्या हुआ है यार? यहीं तो दिखा रहा था, पता नहीं क्या ही सीन था। ऊपर से तो दिखा रहा है, नीचे से कुछ नहीं दिखा रहा है। पता नहीं क्या ही सीन है भाई। खाना वगैरह खाओ तुम सब। यहाँ पे एक कस्टमर और आया, मैंने आई थिंक 103 भी तैयार कर दिया ना। चलो लो सर, लीजिए सर, चाहिए अपना काम कीजिए। यहाँ पे कोई प्लेट वगैरह, ओके, यहाँ पे लोगों ने खाना खाया होगा। चलो यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए रख देते हैं हम इसको। ठीक है, टर्न इट, यहाँ पे इसको साफ़ करना है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, फाइनली हमारा वाला काम हो गया है कंप्लीट। अभी हमने काफ़ी कस्टमर अटेंड करे हैं, एंड मेरे को लगता है 104 नंबर भी मेरे को बना लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने काफ़ी रूम तैयार कर लिए हैं वैसे। ओके डन भाई, ये रहा 4 नंबर, ये देख नहीं रहे कितना ज़्यादा गंदा पड़ा है। साफ़ करके इसको भी भाई पूरा क्लीन करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर्स काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। चलो कस्टमर को आने दो। ओके, आई थिंक इसने चेकआउट करना है क्या? ओके, रुको रुको रुको, अबे चाबी कहाँ गई? चाबी नीचे गिरा दी क्या भाई? चाबी गुम गई, चाबी गुम गई, पता नहीं कहाँ गई की भाई। रुको, यहाँ पे पैसा उठाओ यहाँ पे। अबे पैसा नीचे गिर के गए भाई, ये सब क्या ही बंदे हैं यार। चलो यार, साफ सफाई करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे इसको वॉश वाले पे रखो। एंड एक और कस्टमर आया चाबी देने, आई थिंक ये भाई चाबी लेके घूमते हैं लोग। ओ ठीक है, यहाँ पे पैसा मिला थोड़ा, पैसा वगैरह मिल रहा है। रुकना मैं एक बार चेक करके आता हूँ कौन सा रूम नंबर है। 104 नंबर तो नहीं है, इसको भी नहीं कुछ कर सकते, इसका भी नहीं कुछ कर सकते।
ओके वेट, अच्छा एक कस्टमर है जो कि आई थिंक जा रहा है, इसने गंद मचा रखा है। 107 नंबर नहीं, ठीक है अभी सारे कस्टमर रुके हुए हैं आई थिंक, मेरे को लग रहा है जहाँ तक है कोई कस्टमर अभी गया नहीं है। ठीक है रुकना, यस मैडम, मैडम आपके लिए 1 2 3 4, मैडम नहीं है रूम नहीं है अभी, सॉरी रूम नहीं है यार मैडम के लिए अभी, कोई बंदा रूम छोड़ के ही नहीं जा रहा। ठीक है इसमें से कुछ लिया क्या, पैसा मिला, चलो डन। भाई यहाँ पे ना मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि माय होटल में, ठीक है सेकंड फ्लोर कितना बना है इसका भी, $45 वैल्यू बनी है इसकी 9 नंबर की ना हाउस, अच्छा 9 लेफ्ट इसके $35 वैल्यू, उसकी $100 रहते हैं ठीक है वैल्यू। 103 नंबर में भी बंदा है, ठीक है डन। अभी बंदे रुके हुए हैं कस्टमर, ओके वेट सर अभी रूम नहीं है मेरे पास, सॉरी अभी रूम होता देन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता। ठीक है गाइस यहाँ से पैसे उठाओ $20, ठीक है यहाँ से इनका भी पैसा उठाओ डन। चलो भाई साफ सफाई करनी है अभी, ठीक है ठीक है, पैसा ले ले पहले हम मेन, ठीक है डन डन डन। तो ठीक है गाइस काफ़ी कस्टमर्स का हमने सामान उठा लिया है एंड यहाँ पे ना मेरे को प्लेट्स वगैरह सारी साफ़ करनी पड़ेगी, ठीक है वॉश करो इनको भाई, ये भी अच्छा सिस्टम है उसे वॉश वगैरह करना। ठीक है चलो यहाँ पे सारी प्लेट्स उठाई एंड यहाँ पे रख दी, तो अभी के लिए कस्टमर्स हमारे अच्छे खासे आ रहे हैं। आइसक्रीम वगैरह भी लेके आनी चाहिए ना मेरे को, आइसक्रीम हो गई एंड यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह है, रुको दो मिनट मैं ना कुछ ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे मस्त। अपना होटल को अभी अच्छे से बनाना है हमें, तो होटल का नाम बताना तुम सब, होटल का नाम क्या रखा जाए तब ज़्यादा मज़ा आएगा। रुकना यहाँ पे देखने दो मेरे को, नो फूड सर्व टू बफर, नथिंग लेफ्ट टू वेंडिंग मशीन, ओके तो कस्टमर्स की कंप्लेन भी हैं कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कस्टमर पे, तो ठीक है सिगार, सिगार को क्या करते हैं 20 पैक सिगार रख सकता हूँ मैं, 20 पैक वाइस सिगार एंड ये रख सकते हैं हम। ठीक है ड्रिंक्स देख लेता हूँ ना, ब्लैक कॉल येलो ये ऐसे वाली ड्रिंक्स है, एल्कोहल तो एल्कोहल मंगा लेता हूँ अभी के लिए, एक तो दो मंगाई है मैंने, ठीक है पेंट्स वगैरह नहीं, कॉफ़ी मंगा लेते हैं अभी के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ प्रीमियम कॉफ़ी हो गई हमारी एंड सिंपल वाली कॉफ़ी मंगा ही देता हूँ मैं, ठीक है। और आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, तो अभी मैंने आइसक्रीम ऐड कर दिया, ठीक है कंप्लीट करते हैं अपने ऑर्डर एंड यहाँ पे थोड़ा ना भाई कंप्लीट तो करा था मैंने ऑर्डर, ओके यहाँ पे करता हूँ प्रीमियम डिलीवरी जिससे कि हमारी जो डिलीवरी है वो फास्ट हो पाए, डन। यहाँ पे खाना वगैरह ख़त्म हो गया क्या, नहीं खाना है तो भाई डिश लो और जाओ। ठीक है गाइस अभी के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है सामान, ओ यार कस्टमर भाई नहीं है, सॉरी बोलना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ना हमारे पास कोई भी रूम नंबर नहीं खाली। ठीक है चलो सर अभी रूम नहीं है हमारे पास सॉरी, ठीक है यहाँ पे कोई डिश पे आया क्या, नहीं 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 ये बैठा है खाना वाना लेके, चलो पैसा पुसा तो दे के जाएगा ना ये, ठीक है यहाँ से पैसा लो, यहाँ से पैसा लो, चलो पैसा वैसा बढ़िया मिल रहा भाई इसमें, गेम काफ़ी बढ़िया लगी, तुम सब मेरे को कमेंट में बताना तुम सबको गेम कैसी लगी। ठीक है चलो 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 ठीक है डन। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान उठा लिया, कोई सामान गिरा क्या, ठीक है आराम से इसे लेके चलते हैं, चलो 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 रिलीज। इसमें क्या है कोल्ड मू, कोल्ड मू तो आई थिंक इसमें लगेंगे ना कोल्ड मू, इसमें लगेगी ओके, ये किस में लगेगा ओके एंड प्रीमियम कॉफ़ी इसमें लगेगी, कॉफ़ी इसमें लगेगी, ठीक है डन। अभी मैं और भी देख लेता हूँ, और भी काफ़ी सारा सामान मैं ऑर्डर करके आया था वो सब भी लगाना है, ठीक है बियर्स वाइन्स वगैरह हैं ये कुछ, चलो ये भी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होंगे देन हमारा पार किस चीज़ का। चलो ठीक है अभी के लिए क्राउंस इसमें इसमें ओके, आइसक्रीम है एंड आई थिंक ये इसमें लगेगा, ठीक है फिर उठाओ डन। तो फाइनली हमारा बार भी रेडी है, वैसे देखा जाए सब में मैंने सामान लगा दिया, इसमें भी 18 आइसक्रीम से 40 कुछ है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, सब में सामान है यार, मैडम को मना करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे पास नहीं है कोई रूम। ठीक है गाइस यहाँ पे टर्न, चलो भाई यहाँ पे ये प्लेट भी उठाओ, ये भी उठाओ डन,
तो फाइनली देखो गाइस, आज हमारा काम वैसे सही पूरा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं हम। अभी पूरा रूम हमने रेडी कर दिया है एंड और भी चीज़ें हैं जो कि मेरे को रेडी करनी है अभी, तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में वो रेडी करेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, थोड़ा बहुत पैसा उठाऊँ यहाँ से और अपने होटल को अभी के लिए क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दो मिनट रुको, यहाँ से पैसा ही नहीं उठाया भाई मैंने तो, ठीक है अपने होटल को क्लोज कर रहे हैं। एंड यहाँ बंदे ना चेकआउट करने आए हैं, ठीक है। टर्न 103 नंबर है ना चाबी नंबर, ठीक है। और कौन चेकआउट करने आया, ठीक है। टर्न 102 नंबर आया हमारे पास। यार ये चाबी कहाँ गई, ठीक है ओके। तो सब ने रूम को चेकआउट कर दिया है। 101 नंबर ओके, 106 नंबर ने नहीं चेकआउट करा। इसको चाहिए घर, कमरा चाहिए पहले मैं, पर मैं अभी बंद कर रहा हूँ रूम। तो ठीक है गाइस, फाइनली होटल क्लोज कर दिया मैंने अभी। $618 हुए हैं, ठीक है। सारे रूम्स ना अपने आ चुके हैं, हाँ सारे रूम्स आ चुके हैं हमारे, डन। तो फाइनली सारे रूम हमें मिल चुके हैं और अपना होटल अभी के लिए मैं क्लोज कर चुका हूँ। खाना वगैरह रखा हुआ है जो कि लोग खा लेंगे। एंड ये रहा अपना होटल जो कि बढ़िया चल रहा है अभी, इसमें काफ़ी कुछ करना बाकी है तो वो भी करेंगे हम साथ के साथ। आई होप आपको एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय।